भारतीय संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, फिर चाहे वह योग हो या फिर हवन। ऐसा ही एक हवन है जिसका नाम है अग्निहोत्र, जिसे दुनिया के कई देशों ने अपनाकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्धि हासिल की है। इस हवन का जिक्र पूरी रामायण में किया गया है और कहा जाता है कि राम जी भी इसे नियमित रूप से करते थे। इस हवन को करने से कई रोगों का इलाज होता है, साथ ही आसपास पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं इस हवन की विधि और इससे होने वाले फायदे के बारे में इसके जानकार डॉक्टर प्रेम जोशी से। मैं प्रेम जोशी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग असाध्य रोगों का इलाज करते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो अग्निहोत्र का रहता है। अग्निहोत्र हजारों साल पुरानी विधा है जो रामायण काल से चली आ रही है। रामायण में भी बीसियों जगह अग्निहोत्र का वर्णन है। राम जी डेली अग्निहोत्र किया करते थे और यदि आप इसको सर्च करेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई देश ऐसा नहीं जहां अग्निहोत्र नहीं होता हो। और इसके करीबन 4 लाख से ज़्यादा वेबसाइट हैं और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस में अग्निहोत्र हो रहा है और वहाँ पर अग्निहोत्र से ही खेती हो रही है, जिसको नाम दिया है हुमा फार्मिंग। हुमा फार्मिंग के नाम से खेती हो रही है और जो इलाज हो रहे हैं वो हुमा थेरेपी नाम दिया है कि अग्निहोत्र से कई असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है। और इसको करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, इसको बच्चा भी कर सकता है। लेकिन ये जो अग्निहोत्र है ये सुबह शाम होता है और इसका टाइम फिक्स होता है, जो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड से निकाला जाता है, सूर्योदय सूर्यास्त का समय। तो जिस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्पर्श करती है उस वक्त हमारा मैग्नेटिक फील्ड 20 गुना बढ़ जाता है और उसकी अवधि रहती है 45 से 55 सेकेंड। इस 45 से 55 सेकेंड में अर्थ पे 5 चीज़ें एक्टिवेट होती है, इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलेक्टिन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिलीन। और ये 5 तत्व जो है इस 1 मिनट में पूरी पृथ्वी पर एक्टिवेट होते हैं और यही कारण है कि संसार के जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, सब सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। एक मनुष्य है जो सोता रह जाता है और वो इसलिए उठ जाते हैं कि जब ये 5 तत्व एक्टिवेट होते हैं तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। और उसी समय में ये अग्निहोत्र किया जाता है तो अग्निहोत्र करने से ये 5 तत्व 20 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए अग्निहोत्र से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। अग्निहोत्र से आदमी की प्रोग्रेस खूब होती है, बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में कभी कलह झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आदमी का जो पॉजिटिविटी इतनी मिलती है, उसका ब्रेन बहुत मजबूत, मस्तिष्क बहुत सशक्त हो जाता है, इसलिए वो हर निर्णय सोच समझ के लेने लगता है। एक तो ये तांबे का पात्र रहता है, ये पूरे वर्ल्ड में एक साइज़ का होता है, ये 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर और बॉटम 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ लगती है गाय के कंडे, ये देशी गाय के कंडे हैं और इस कंडे में जरा भी कोई धूल मट्टी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्लास्टिक की शीट पर रख के बनाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है ये चावल और घी, 50 ग्राम घी, 2 बूंद घी की आवश्यकता पड़ती है इसमें। चौथी चीज़ है समय, जो आपको गूगल से मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में जाकर के अग्निहोत्र सर्च करेंगे तो उसमें कई ऐप्स आ जाएंगी, उसमें आप अग्निहोत्र बडी को डाउनलोड कर लीजिए और अपने घर पर उस ऐप से टाइमिंग मांगिए तो आपके जो घर की लोकेशन रहेगी वो गूगल लोकेशन देके आपको एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। पहले आप ये कंडा जला लीजिए और ये एक हिस्सा उठाया, जैसे टाइम हो जाए तो ये 2 छोटे मंत्र हैं, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमम, फिर दूसरा उठाया, प्रजापते स्वाहा,
प्रजापते इदम नमम, हो गया अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के लिए नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मुंह हाथ धोकर के भी आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। वैसे नहा के करें तो बहुत अच्छी बात है, इसको कहीं भी कर सकते हैं आप, बेडरूम में करें, रसोई घर में करें, ड्राइंग रूम में करें, वरांडे में करें, कहीं भी कर सकते हैं। और इसको बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें आहुति सिर्फ एक ही आदमी डालता है, मंत्र सब बोल सकते हैं, घर में जितने लोग हैं उस वक्त साथ में बैठ जाएं और एक साथ मंत्र बोल सकते हैं, पर आहुति एक को ही डालना होती है ना। धन्यवाद।